क्वेश्चन ये है कि जो आत्मकारक ग्रह होता है, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं पांचवें छठे पन्ने पे, कि वो आत्मकारक क्या होता है? आत्मा कारक जो ग्रह है वो देखिए दो वर्ड से बना है, आत्मा और कारक। भी कारक वर्ड क्या है ज्योतिष में, कारक जो है, कारक मतलब इसको इंग्लिश में बोले तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेटर, जो किसी चीज़ को दर्शाता है, किसी चीज़ का कारण, उसको कारक बोलेंगे। तो आत्मा कारक मतलब आत्मा को जो दर्शाता है। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये कॉन्सेप्ट आया हमारे में जैमिनी सिस्टम से। जैमिनी जो ऋषि थे, जिनका जैमिनी सिस्टम है, जो जिन्होंने उपदेश सार लिखा, उपदेश सूत्र जो आप कहते हैं जैमिनी सिस्टम के हैं, उन उधर से जो आया, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। तो वहाँ जैसे हम हर ग्रह को बोलते हैं पराशर सिस्टम में, अगर आप देखें पराशर के ही शिष्य में थे जैमिनी जी, उन्हीं की लीनिएज में आगे आए हैं। तो पराशर ऋषि ने स्थिर कारक माना, जैसे सूर्य को पिता का कारक माना, ठीक है, बुध को बुआ का कारक माना, चंद्रमा को माता का कारक माना, मंगल को भाई का कारक माना, ऐसे ही सब अलग अलग कारक। तो उन्होंने फिक्स कर दिए कारक कि पराशर ऋषि के हिसाब से कारक फिक्स हैं, जैमिनी ऋषि के हिसाब से कारक फिक्स नहीं है। कैसे? हर ग्रह एक राशि में 0 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर होगा, कहीं होगा प्लेसमेंट। अब अगर आपके 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह 9 राशियों में किन्हीं डिग्रीज में होंगे, जो ग्रह अपनी राशि में सबसे ज़्यादा एडवांस हो चुका होगा, मतलब सबसे ज़्यादा डिग्री में बैठा होगा, वो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका, मतलब उसकी डिग्री सबसे ज़्यादा, सबसे बलवान ग्रह हो जाएगा। आत्माकारक में हम ये नहीं देखते हैं कि वो 28 डिग्री में है, मृत अवस्था में है, वृद्ध है, कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ जो सबसे बड़ा हो गया। जैसे आपके घर में अगर आपके दादाजी 80 साल के हैं तो आप उनकी उपयोगिता थोड़ी देखते हैं, आप सीधे कहते हैं ना आपके घर में सबसे बड़ा कौन है, दादाजी बड़े हैं, क्योंकि वो 80 साल के हों, अवस्था में सबसे बड़े हैं, तो वो सबसे घर के मुखिया वही हो जाएंगे, भले ही काम कोई और कर रहा हो लेकिन मुखिया वही माने जाएंगे घर के। तो आत्मा कारक ग्रह क्या होता है? जैमिनी ऋषि के हिसाब से 8 ग्रह उन्होंने लिया कारकों के लिए, जिसमें से उन्होंने केतु को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक है, केतु को कोई कारकत्व तो नहीं दिया गया, क्योंकि केतु जो है फाइनल हमारी मुक्ति का कारक माना गया, तो उसको कारकों के सिस्टम से आउट कर दिया गया। अब सूर्य से लेके राहु तक 8 कारक माने गए, जिसमें से जो पहला आत्मा कारक हो गया, दूसरा अमात्य कारक हो गया, ऐसे कर करके हमारे 8 कारक माने गए। अमात्य कारक मतलब आत्मा कारक के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होगी वो अमात्य कारक हो जाएगा। अमात्य कारक क्या करेगा? आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय, आपका व्यापार, उसमें अमात्य कारक की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम होगी। आत्मा कारक क्या है? आत्मा कारक सिंबलाइजेज यू, आत्मा, आपकी आत्मा को दर्शाता है आत्मा कारक। अब सबसे ज़्यादा जिसकी कुछ नहीं करना है आपको, अपनी जन्म कुंडली उठाइए, उसमें जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा है वो आपका आत्मा कारक हो गया। इसमें राहु में थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेना पड़ता है आत्माकारक देखने में, कि मान लीजिए राहु भी 15 डिग्री पे है, या मान लीजिए राहु 16 डिग्री पे है मान लीजिए, और कोई दूसरा ग्रह 15 डिग्री पे है जी, अब कौन आत्माकारक होगा? और बाकी सब ग्रह इससे नीचे हैं, 10, 8 और इससे, मतलब नीचे ही हैं। सबसे ज़्यादा राहु है 15 पे और दूसरा कोई 14 पे है, अब कौन होगा आत्माकारक? राहु नहीं होगा, क्योंकि राहु वक्र है, राहु की गिनती हम पीछे से करते हैं, तो राहु एक्चुअली उस डिग्री में, अगर 16 डिग्री का दिखा रहा है कुंडली में, तो एक्चुअली वो उस डिग्री में वो 14 डिग्री पे, क्योंकि पीछे जा रहा है। अब जो दूसरा होगा वो आत्माकारक हो जाएगा। तो आत्माकारक की कैलकुलेशन में सिर्फ एक यही प्रिकॉशन है कि राहु की डिग्री को एक्चुअल नहीं देखना है, वक्र के हिसाब से देखना है, और अगर उसके आसपास कोई आ रहा है तो उसको रिवर्स करके देखना है कि राहु कितनी डिग्री पे आ रहा है। अब आत्माकारक जो होता है, आपने आत्माकारक देख लिया, आत्माकारक आपकी कुंडली का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है, वो आपको दिखाता है आप क्या हो, आप आत्मा हो, आत्मा की इच्छा को दिखाता है। आत्माकारक ग्रह वो ग्रह होता है जो हमारे पिछले जन्म में सबसे प्रबल जो हमारा कर्म था, जो हमारा लेफ्ट ओवर कर्म है, जिस कर्म की हर आदमी किसी न किसी कर्म को पूरा करने के लिए धरती पे आता है, हमारा पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है जिसको ज्योतिष भी मानता है, तो उस जो पुनर्जन्म के सिद्धांत के हिसाब से हम कुछ काम बच गया उस काम को पूरा करने आते हैं, ठीक है, चाहे वो काम हमें पसंद हो या ना पसंद हो, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। सारे लोग अच्छा अच्छा काम करने ही तो नहीं आते हैं,
बहुत लोग आके गलत काम भी तो करते हैं। अब उनका आत्मा कारक मान लीजिए उनको उसी दिशा में ड्राइव कर रहा हो, जैसे कंस का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उसका आके काम ही था कि कृष्ण भगवान की खोज करना, मारने के लिए उसका ड्राइव ही कृष्ण था, लेकिन उल्टे तरीके से उसका ध्यान था। तो आत्मा कारक की दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आत्मा कारक को आपने पहचान लिया, आत्मा कारक प्लैनेट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उस आत्मा कारक ग्रह अब वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आत्मा कारक ग्रह दिखाएगा कि आपकी आत्मा का ड्राइव क्या है, आपका डिज़ायर क्या है, बेसिक डिज़ायर। और आत्मा कारक ग्रह का जो बेसिक नेचर होगा वही आपका नेचर होगा। जैसे मान लेते हैं सूर्य, सूर्य अगर आपका आत्मा कारक है, सूर्य किस चीज़ का कारक है? नेचुरली पिता का कारक है। सूर्य और किस चीज़ का कारक है? विद्या का कारक है, इंटेलिजेंस। सूर्य हम यही तो देखते हैं, इंटेलिजेंस का कारक है। सूर्य धी है, सूर्य बुद्धि है, गायत्री है, तो उन चीज़ों के कारक है। आत्मा कारक की प्लेसमेंट देखिए, आत्मा कारक जो ग्रह है वो कुंडली में किस घर में बैठा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर आत्मा कारक सूर्य, मान लीजिए आपका आत्मा कारक सूर्य है, आत्मा कारक सूर्य अगर आपके पाँचवें घर में बैठ गया, आपकी आत्मा को क्या पसंद होगा? पाँचवा घर क्या दिखाता है? पढ़ाई लिखाई, मंत्र, मंत्र, यस, एक्वायर्ड ज्ञान, ज्ञान को इकट्ठा करना, मंत्र जपना। फिफ्थ हाउस प्रोजेनी भी दिखाता है, संतान भी दिखाता है, आपको संतान बच्चों से बड़ा प्यार होगा। फिफ्थ हाउस छोटे बच्चे दिखाता है, सूर्य जिसका फिफ्थ हाउस में होगा उसको बच्चों से बहुत प्यार होगा, वो हमेशा पढ़ाई लिखाई में लगा रहेगा। ही विल ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर नॉलेज। मतलब वो उस केस में ना, जिस केस में आत्मकारक है सूर्य, यस, उसी केस में आत्माकारक, उसकी आत्मा की पुकार वही है। अगर मान लीजिए आत्माकारक सूर्य है और 12वें घर में बैठ गया, क्या होगा? यस, 12वां घर विदेश यात्रा दिखाता है। ऐसा आदमी कभी उसको घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसको विदेश जाने का मौका मिले, सेटल होने का मौका मिले, वो 2 मिनट नहीं लगाएगा, वो चला जाएगा, उसको देश से लगाव नहीं होगा। 12th हाउस क्या है? निगेशन, निगेशन का हाउस है ना, और इसीलिए हम 12th हाउस को विदेश बोलते हैं। अपनी जगह जहाँ हो, जहाँ पैदा हुए, फर्स्ट हाउस क्या होता है? जहाँ पैदा हुए, एसेंडेंट है ना, लग्न है, लग्न क्या है? किसी खास जगह जहाँ पैदा हुए वही तो आपका लग्न होता है। लग्न से 12वां घर है, हर घर से 12वां घर उस घर के सिग्निफिकेशंस को तोड़ता है, ख़त्म करता है, निगेट करता है, तो 12वां घर वहाँ से तो विदेश चला जाएगा। ऐसे ही अब एक चीज़ और है आत्मा कारक में, हमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ग्रहों की दो तरह की कैटेगरी है, पाप ग्रह और पुण्य ग्रह। अगर पुण्य ग्रह आत्मा कारक बनते हैं तो उनकी फोर्स कम होती है, अगर पाप ग्रह आपके आत्मा कारक बनते हैं तो उनकी फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं, वो आपको कान पकड़ के खींच के ले जाएगा अपने, जो वो चाहता है वो करवाएगा ही करवाएगा। क्यों? पाप ग्रह क्या करते हैं? पाप ग्रह हमारे रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं। जब पाप ग्रह ही आत्मा कारक बन गया तो उसको रोकने वाला कौन होगा? समझा आपने? उसको कौन रोक सकता है? वो तो ऑब्स्ट्रक्शन का मालिक खुद ही है, उसको तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। शुभ तो उसको रोकेगा नहीं, पाप शुभ को रोकता है, शुभ पाप को थोड़ी रोकेगा। तो पाप ग्रह अगर आत्मा कारक आपका बलवान है और पाप ग्रह है तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। रामकृष्ण परमहंस का आत्मा कारक राहु था, राहु से बड़ा डरते हैं लोग। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत, भगवत प्राप्त संत, उनका आत्मा कारक राहु था। अब बताइए राहु कितना आगे ले गया उनको स्पिरिचुअलिटी में, आज भी उनकी पूजा होती है। ऐसे ही आपको ये देखना है कि जो भी आत्मा कारक आपका ग्रह है वो कुंडली में किन भावों का स्वामी है, किन भावों के साथ बैठा है, और उसकी प्लेसमेंट आपको नवांश कुंडली में देखनी है। नवांश कुंडली में के देखने के अलावा, मतलब आपको जिस भी अपने लाइफ के एस्पेक्ट का के बारे में जानना हो, जैसे पराशर ऋषि कहते हैं कि दशमांश कुंडली से आपको अपने कर्म के बारे में विचार करना है, आजीविका के बारे में, व्यवसाय के बारे में। आत्माकारक की दशा वहाँ देखिए, आत्माकारक की प्लेसमेंट वहाँ देखिए, वो आत्माकारक जहाँ प्लेसमेंट होगा बहुत आपके करियर पर बहुत सिग्निफिकेंट असर डालेगा। आत्माकारक की दशा, अब अंतिम पार्ट पर आ जाते हैं, आत्माकारक की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जब भी आत्माकारक की दशा आएगी हमेशा कुछ उथल पुथल मचाएगी। खासतौर पे अगर आपकी आत्माकारक की महादशा आ गई, आत्माकारक की महादशा हमेशा ही कष्टप्रद होती है। क्यों? क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ लोगों के मेजॉरिटी ऑफ काम क्या होते हैं?
टुवर्ड्स इस मटेरियल अपलिफ्टमेंट, हम अपना भला करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। आत्माकारक ग्रह आपको इसके लिए नहीं लाया है, आत्माकारक आपको आत्मा की तरफ वापस ले जाने के लिए आया है। सोल, सोल वॉन्ट्स टू ट्रेस बैक टू द ओवर सोल, आत्मा परमात्मा की तरफ जाना चाहती है, इसलिए आत्माकारक आपको परमात्मा की तरफ ले जाना चाहता है। अगर आत्माकारक की दशा में आपने मटेरियल काम करने शुरू किए, पैसे कमाने की अंधी दौड़ में लग गए, आप और किसी काम में लग गए, तो आत्माकारक की दशा बहुत कष्टप्रद होगी, बहुत कष्टप्रद। उससे कोई मतलब नहीं कि आपका आत्माकारक आपकी कुंडली में कितना अच्छा बैठा है, राजयोग दिखा रहा है। आत्माकारक की ग्रह दशा में अगर आपका राजयोग दिखा रहा है, लेकिन आत्माकारक की दशा में लोग बर्बाद हो जाते हैं, कहाँ गया राजयोग? वो इसलिए होता है कि आपका स्पिरिचुअल आउटलुक नहीं है। अगर आपका आउटलुक कम्प्लीटली मटेरियल है तो आत्माकारक की दशा आपको बहुत कष्ट देगी, आत्माकारक निचोड़ देता है आदमी को। इसलिए आत्माकारक की दशा हो और आपकी महादशा वो आने वाली है, तो आप बेटर बी स्पिरिचुअल, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ योर वेल बीइंग, मटेरियल वेल बीइंग नहीं, वो तो इंश्योर हो ही जाएगा, ओवरऑल स्पिरिचुअल वेल बीइंग के लिए भी आपका आत्माकारक की दशा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में। अगर आपके जीवन में आत्माकारक की महादशा है, आप समझना आप बहुत लकी हो। अपना आत्माकारक अपने प्लैनेट में चेक करो, अपने चार्ट में चेक करो, देखो उसकी महादशा कभी आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है, प्रिपेयर योरसेल्फ, ये दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी।